हेलो फ्रेंड्स, मैं स्टडी 91 चैनल से नितिन गुप्ता आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम फिर से कवर करने जा रहे हैं हिस्ट्री के एनसीईआरटी को। आपको पता होगा दोस्तों, आजकल हम एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर सीरीज को सॉल्व कर रहे हैं। और जो लोग भी यहाँ पे नए हैं, मैं चाहूँगा आप प्ले लिस्ट में आ जाओ और वहाँ से आकर के चीज़ों को देख लो। और एनसीईआरटी में दोस्तों हम लोग बात कर रहे थे क्लास 6 के ऊपर, और आज हम लोग चैप्टर कवर करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 5 से संबंधित क्वेश्चन आंसर के लेवल को। और उस चैप्टर का नाम है क्या बताती हैं हमें किताबें और कब ब्रेन। ठीक है, तो कुल ज़्यादा नहीं दोस्तों, यहाँ पर केवल 14 प्रश्न मैं आपके सामने लेके आऊँगा और बहुत डिटेल से इन प्रश्नों की हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन इसके पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि अगर आपके चैनल पर किसी भी तरह का एडवर्टीजमेंट आता है तो प्लीज़ आप उसको स्किप मत करिएगा। और साथ ही साथ ये कहना चाहूँगा कि प्लीज़ दोस्तों, अगर आप मेरे उस सीक्रेट वीडियो को नहीं देखे हैं तो एक बार देख लीजिए, जहाँ पर मैंने आपसे कुछ समस्याओं के बारे में कहा है। जो लोग उसको देखे हैं और जो लोग हमारी मदद किए हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद, और ऐसे लोगों को मैं बहुत प्यार देता हूँ अपना। ठीक है, और जो लोग नहीं दिए हैं तो प्लीज़ दोस्तों एक बार आप वहाँ पर जाके विजिट कर लो, प्लीज़ बहुत ज़रूरत है, इसलिए मैं आप ही के भले के लिए कह रहा हूँ। ठीक है, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न दे रहा है वेद संख्या में कितने हैं, 4 हैं। आपको पता है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। कह रहा है इन सब में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है ये बता दीजिए। बड़ा आसान सा प्रश्न दे दिया और ज़्यादातर लोग इसका उत्तर जान रहे होंगे कि ऋग्वेद जो है दोस्तों ये सबसे प्राचीन वेद कहा जाता है। और 4 वेद कौन कौन से है, तो यही 4 वेद लाइन से दे भी दिया है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ठीक है, अच्छा अगर मैं आपसे पूछूं ऋग्वेद की रचना कब हुई थी, तो ऋग्वैदिक काल में हुई थी। अगर टाइम पीरियड की बात करूं तो 3500 वर्ष पहले हुई थी। कितना वर्ष पहले, 3500 वर्ष पहले हुई थी। और ऋग्वेद में 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं लिखी हुई हैं, जिनको हम बुलाते क्या हैं, उनको कहते हैं हम सूक्ति। सूक्ति मतलब अच्छी उक्ति, मतलब अच्छी बातें, जिसको अच्छी तरह से बोला गया हो। इन सूक्तियों में विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति में कई सारे मंत्र और श्लोक रचे गए हैं। इनमें से 3 देवता दोस्तों बहुत प्रसिद्ध हैं, बहुत फेमस हैं, उनका नाम क्या क्या है, तो एक का नाम है अग्नि, दूसरे का नाम है इंद्र और तीसरे का नाम है वरुण। सोम वरुण होंगे, बाद में आएंगे। ठीक है, तो कौन कौन से, अग्नि हो गए, इंद्र हो गए और सोम। सोम थे वनस्पति के देवता कहे जाते, सोम एक्चुअली में एक पेय पदार्थ होता था। ठीक है, एक वनस्पति होता था उसको बोला जाता था, और इंद्र को युद्ध का देवता कहा जाता था और अग्नि को आग का देवता कहा जाता था। तो ऋग्वेद याद रखिएगा। ठीक है, 1028 सूक्ति इसमें लिखे गए हैं। ठीक है, और बाकी सामवेद के बारे में आप लोगों को पता होगा, सामवेद में क्या बताया गया, ये इसमें गायन संबंधी बात बताई गई, यजुर्वेद में जो है यज्ञ संबंधी कर्मकांड दिया गया, और अथर्ववेद में जो है जादू टोना, मंत्र, वशीकरण, ठीक है, इन सब के बारे में बताया गया। साथ ही साथ चिकित्सा का पहली बार उल्लेख कहाँ पर होता है, तो ये भी इस अथर्ववेद में होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ऋग्वेद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कराओ भाई, विचार करेंगे, जरूर करेंगे। और यहाँ पर जो पहला कथन दे रहा है वो ये दे रहा है कि ऋग्वेद में सभी सूक्तों की रचना पुरुषों के द्वारा की गई थी। ऋग्वेद में सभी सूक्तों की रचना किसके द्वारा की गई थी, पुरुषों के द्वारा की गई थी। ऋग्वेद की भाषा प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत थी। और तीसरा दे रहा है ऋग्वेद का उच्चारण और श्रवण किया जाता था, न कि इन्हें पढ़ा जाता था। तो आपको बताना है कि कौन सा कथन यहाँ पे सत्य है, बताइए जल्दी से। एक बात याद रखिए दोस्तों, कहीं आपने पढ़ा है कि ऋग्वेद में सभी सूक्तों की रचना केवल पुरुषों के द्वारा की गई है, नहीं ऐसा आप नहीं कह सकते हैं। ठीक है, ये आप बिल्कुल नहीं कह सकते हैं, तो इसलिए याद रखिए, क्योंकि बहुत सारी महिलाएं भी उस समय क्या थीं, बहुत तेज तर्रार थीं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन तो वैसे भी आपका गलत हो जाएगा या सही हो जाएगा, बताइए। पहला क्वेश्चन वैसे भी जो पहला कथन है वो ऑलरेडी गलत है। दूसरा जो है वो बिल्कुल सही दे रहा है कि प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत है, हालांकि जो संस्कृत का इस्तेमाल आज हम करते हैं उससे थोड़ा सा भिन्न था। और ऋग्वेद का उच्चारण और श्रवण किया जाता था, न कि इन्हें पढ़ा जाता था। तो यहाँ पर जो कथन है कौन सा सही हो जाएगा, केवल 2 और 3। आइए इसके बारे में थोड़ी सी और बात बताना चाहूँगा आपको। याद रखिए वैदिक प्रार्थनाएं जो इसमें बताई गई थी ऋग्वेद में, उनकी रचना ऋषियों के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, सामान्य पुरुष नहीं थे, महिलाओं की बात भी नहीं है, किसके द्वारा बात करने जा रहा हूँ, ऋषियों को द्वारा किया गया था। आचार्य विद्यार्थियों को इन्हें अक्षरों, शब्दों और वाक्यों में बांट करके सस्वर पाठ कंठस्थ करवाते थे, और इस प्रकार से लोग जो है उस पाठ को कंठस्थ करते थे। अधिकांश सूक्तों के रचयिता सीखने और सिखाने वाले पुरुष थे, ज़्यादातर कुछ प्रार्थनाओं की रचना महिलाओं ने भी किया है, इसलिए जो पहला है वो गलत हो जाए आपका। ठीक है, और बाकी भाषा तो मैंने आपको बता दिया, चाहे प्राक संस्कृत के चाहे वैदिक संस्कृत, ये बात देखिए, लेकिन आज वाली संस्कृत से भिन्न है, इस बात को याद रखिएगा।
ठीक है। चलिए एक बात अच्छा और इससे संबंधित याद रखिएगा, बहुत पूछता है एग्जाम में, जिन लोगों ने इन प्रार्थनाओं की रचना की थी वे लोग कभी कभी खुद को आर्य कहते थे। क्या कहते थे? आर्य कहते थे, ये बात याद रखिएगा। और दोस्तों बहुत जल्द मैं आर्य के बारे में आपको बहुत कुछ बताने वाला हूँ, ठीक है, और बताऊँगा। आगे देखिए, ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किन नदियों का उल्लेख सबसे कम हुआ है? ऋग्वेद में से निम्नलिखित नदियों में से ऋग्वेद में किस नदी का उल्लेख सबसे कम हुआ है ये बताना है, सरस्वती, सिंधु, गंगा, यमुना और ब्यास, बता दीजिए फटाक से किसका उल्लेख सबसे कम हुआ है। तो याद रखिए दोस्तों, आपका गंगा और यमुना को छोड़ करके बाकी जितनी नदियाँ इसका उल्लेख खूब हुआ है, लेकिन गंगा यमुना का उल्लेख जो है कम हुआ है, ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या होना चाहिए? 3 और 4, कहाँ पे दिया भाई, ये रहा 3 और 4, ठीक है, याद रखिए। बाकी सिंधु का उल्लेख हुआ है, सरस्वती का भी उल्लेख हुआ है, ठीक है, इन सभी नदियों का उल्लेख हुआ है। याद रखिए सिंधु नदी में सरस्वती, सॉरी ऋग्वेद में सरस्वती, सिंधु और उसकी जितनी भी सहायक नदियां हैं जैसे झेलम, चिनाब, ब्यास, सतलज, इन सभी का वर्णन हुआ है, लेकिन गंगा और यमुना का सिर्फ और सिर्फ एक बार उल्लेख हुआ है। कितने बार? एक बार उल्लेख हुआ है। सबसे ज़्यादा बार अगर आपसे पूछे तो सबसे ज़्यादा बार सिंधु नदी का उल्लेख है, लेकिन सर्वाधिक पवित्र नदी किसे कहा गया? तो सरस्वती को कहा गया। उल्लेख तो आपका सिंधु का सबसे ज़्यादा बार है, सबसे ज़्यादा बार उल्लेख क्या है? सिंधु नदी का, लेकिन सबसे फेमस नदी कौन सी है? आपकी सरस्वती नदी है। आगे देखिए, सूची 1 को 2 से मिला दीजिए फटाक से और बता दीजिए कि कौन सा कथन यहाँ पर सही हो पाएगा। तो आइए मिलाते हैं इसको, बहुत ध्यान से मिलाइएगा। चलिए बताइए, पहला दे रहा संस्कृत। संस्कृत किस भाषा परिवार का है? ये तो आप लोग जानते ही होंगे, ये भारोपीय भाषा परिवार का कहा जाता है। संस्कृत को किस भाषा परिवार का मानते हैं? तो भारोपीय भाषा परिवार का मानते हैं। कहाँ जा रहे मेरे भाई, रुक जाओ। तो ये भारोपीय भाषा परिवार हो गया, ठीक है। और यहाँ पे और क्या बोल रहा है, पूर्वोत्तर क्षेत्र की भाषा, तो पूर्वोत्तर मतलब उधर सिक्किम, अरुणाचल, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इन सब की बात कर रहा है। तो पूर्वोत्तर की जो भाषा थी उसको तिब्बती वर्मा, क्यों तिब्बती वर्मा कर रहा हूँ, अरे यार वर्मा उधर ही तो है, वर्मा यानी म्यांमार, तो म्यांमार की बात कर रहा है, तो पूर्वोत्तर से म्यांमार नहीं समझ जाओगे। अब बाकी मलयालम की बात कर, मलयालम कहाँ पर है बताओ? दक्षिण भारत में है, तो अपने आप कहाँ पहुँच जाओगे? द्रविड़ में, द्रविड़ में हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद जो मध्य भारत की भाषा, ये ऑस्ट्रो आसियाटिक भाषा परिवार है। कौन सा? ऑस्ट्रो आसियाटिक भाषा परिवार। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 3 2 1, 4 3 2 1 सेट कर लो, कहाँ पे है? 4 3 2 1, 4 3 2 1, 4 3 2 1, ये रहा 4 3 2 1, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी वाला। आइए पांचवा प्रश्न करते हैं, ऋग्वैदिक युद्धों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? जल्दी से बता दीजिए कौन सा कथन यहाँ पे सही नहीं है। पहला दे रहा है, इस काल में मवेशियों के लिए युद्ध लड़े जाते थे। बहुत अच्छे से आपको बताया था और मैं ये भी बताया था कि मवेशियों के लिए ज़्यादातर युद्ध होते थे, बिल्कुल सही है। लड़ाइयाँ जमीन के लिए भी लड़ी जाती थी, एक्चुअली में जमीन को रहने को लेकर कम, चारागाह को लेकर ज़्यादा लड़ाई होती थी, ठीक है। तो ये भी सही हो जाएगा। युद्ध में जीता गया धन केवल सरदारों, यार मैंने कहा था कहीं भी केवल शब्द आ जाए ना तो तुरंत तुक्का मार दिया करो आँख बंद करके, यार जानबूझ कर देता है, ठीक है। केवल सरदार और पुरोहित क्यों बोल रहे हो? बहुत लोगों के बीच में बांटा जाता था, ठीक है, ये गलत बोल दिया। तो सी वाला क्या सही नहीं है। बाकी इस काल में युद्धों के लिए कोई अस्थाई सेना नहीं होती थी, हाँ तो कबीले के सभी लोग युद्ध में शामिल होते थे, कोई अस्थाई सेना वना नहीं थी। अच्छा, इसके बारे में फिलहाल और थोड़ा सा जान लूँ, मैं ये बताना चाह रहा हूँ दोस्तों कि ऋग्वेद में जो मवेशी होते थे यानी जो जानवर होते थे, उन मवेशियों को और बच्चों को, खासकर बच्चों में पुत्रों को और घोड़ों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं की गई हैं। कहाँ पर? ऋग्वेद में प्रार्थनाएं की गई हैं। अब क्या होता है कि घोड़ों को लड़ाई में रथ खींचने के लिए भी काम में लाया जाता था, इस वजह से उसकी मान्यता बहुत ज़्यादा थी। इन लड़ाइयों में मवेशी जीत कर लाए जाते थे। लड़ाइयाँ वैसे ज़मीन के लिए भी लड़ी जाती थी, जहाँ अच्छे चारागाह होते थे या जहाँ पर जौ जैसी जल्दी तैयार हो जाने वाली फसलों को उपजाया जा सकता था, वहाँ उस फसल के लिए लड़ाई होती थी। कुछ लड़ाइयाँ वैसे पानी के स्रोतों के लिए भी हुई हैं और कुछ लड़ाइयाँ लोगों को बंदी बनाने के लिए भी लड़ी जाती थी, ठीक है। तो ये सब भी याद रखिए, युद्ध में जीती गए जो धन थे उसका कुछ हिस्सा सरदार रख लेते थे, कुछ हिस्सा पुरोहित को दिया जाता था और बाकी शेष धन को आम लोगों के बीच में बांट दिया जाता था। तो इस प्रकार से जो सी वाला दे देगा वो क्या हो जाएगा आपका? गलत हो जाएगा। अच्छा, यज्ञ की जो आग होती थी, आग में घी, अनाज, कभी कभी जानवरों को भी आहुति दे दी जाती थी, उनकी बलि भी कर दी जाती थी। अधिकांश पुरुष में युद्ध इन युद्धों में भाग लेते थे, महिलाएं कम लेती थीं, हालांकि कोई अस्थाई सेना नहीं थी, लेकिन इन सभाओं में मिलते जुलते थे,
लेकिन लोग क्या आते थे कि जो मीटिंग वगैरह होती थी उसमें स्त्री पुरुष सब मिलते थे और युद्ध और शांति के विषय में सलाह मशवरा करते थे। ओके, तो चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद ऋग्वैदिक काल में काम के आधार पर वर्गीकृत दो समूहों पुरोहित व राजा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दे रहा है पुरोहित, जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण कहा जाता था, तरह तरह के यज्ञ और अनुष्ठान करते थे। दूसरा दे रहा है राजा महलों में रहते थे और शासन के लिए कर वसूलते थे। आपको बताना कौन सा कथन यहाँ पर सही है, ठीक है, सही कथन को बताना है खाली। तो याद रखो पहला वाला जो कथन है बिल्कुल सही है, पुरोहित किसे कहते थे, पुरोहित को हम ब्राह्मण कहते थे और ब्राह्मणों का काम उस जमाने में क्या था, यज्ञ अनुष्ठान करना। रही बात राजा की, राजा महलों में रहते थे, यार ऋग वैदिक काल के राजा के पास अपना घर तो होता नहीं था, महल का कहाँ से आ जाएगा, महल वाल नहीं होता था, ठीक है। तो ये जो महलों में रहते थे ये गलत है। हाँ ये वाला सही है कि शासन के लिए कर वसूलते थे, ये भी उतना सही नहीं है, लोग स्वेच्छा से देते थे कर, ठीक है। तो जो दो वाला हो जाएगा वो गलत हो जाएगा। टाइम भी देखो ना भाई, टाइम देखो, ऋग वैदिक काल की बात कर रहा है, ठीक है, कहाँ की बात कर रहा है, ऋग वैदिक। और यहाँ के लोग जो है ना तो महलों में रहते थे, ना तो इनकी बड़ी बड़ी राजधानियाँ होती थी, ना इनके पास सेना होती थी और ना ही ये कर वसूलते थे। यही नहीं, और ये भी बता दूं आपको कि राजा की मृत्यु के बाद उसका बेटा ही राजा बनेगा, ये भी नहीं था। जो कुशल था, जो बहादुर था, जो बढ़िया योद्धा था, उसको राजा बनाया जाता था, यानी ये पद अनुवांशिक नहीं था, ठीक है। ये सब बातों का याद रखिएगा। और चलिए, तो इसके लिए आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, केवल एक सही है, ठीक है। चलिए सातवां प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से शब्द ऋग्वेद में मिलते हैं या मिलता है, बताइए। पुरु जन विष या भरत जन विष या यदु जन विष, बताइए कौन सा शब्द यहाँ पे मिलता है। तो फटाक से बता दीजिए, जल्दी बताइए यहाँ से कौन सा शब्द मिलता है, पुरु जन विष, भरत जन विष या यदु जन विष। तीनों मिलता है मेरे भाई, ऋग्वेद में तीनों का इस्तेमाल कहीं ना कहीं पर किया गया है। मैंने आपको बताया था ऋग्वैदिक काल में जनता या पूरे के पूरे समुदाय के लिए कौन सा शब्द इस्तेमाल होता था, जन शब्द का इस्तेमाल होता था, और जब ये जन बड़ा हो जाता तो विष शब्द का इस्तेमाल होता था। विष वैसे वैश्य शब्द से निकला माना जाता है। ऋग्वेद में विष और जनों के नाम भी मिलते हैं, जैसे पुरुष जन विष, भरत जन विष, यदु जन विष। तो ठीक है, ये कई कई तरह के कबीले होते थे, उनको कहा जाता था, ठीक है। तो यहाँ पर क्या सही हो जाएगा, एक दो तीन। आगे देखिए, आर्य लोग अपने विरोधियों को निम्नलिखित विकल्पों में से क्या कहते थे। जो आर्य थे ये विरोधियों को किस नाम से बुलाते थे, तो दस्यु कह के बुलाते थे। पढ़ाया था मैंने आपको, इंडिकेट भी किया था कि इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। तो दस्यु बुलाते थे, आर्य लोग अपने विरोधियों को दास या दस्यु कहते थे। दस्यु वे लोग होते थे जो यज्ञ नहीं करते थे और शायद दूसरी भाषा बोलते थे, ठीक है। बाद के समय में दास में क्या हो गया, यह परिवर्तित हो गया, मैंने कहा था स्त्रियों के रूप में, जिसे दासी हो गया, बाद में गुलाम हो गया, तथा उन्हें मालिक की संपत्ति माना जाने लगा, ठीक है, और मालिक के नौकर के रूप में रहने लगे, ठीक है। तो ये सब पॉइंट्स याद रखें, दस्यु वर्ड। अगला दे रहा है, जिस युग में उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में ऋग्वेद की रचना हो रही थी, उस समय कुछ अन्य जगहों पर महापाषाणिक कब्रें बनाने की प्रथा का विकास हो रहा था। महापाषाणिक कब्रों की प्रथा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि कौन सा सत्य है। पहला कह रहा है यह प्रथा केवल दक्कन और दक्षिण, यार केवल को तो मन करता ना उठा के गोली मार दूं कसम से, जहां केवल मिले तुरंत उसको गलत समझ लिया करो, केवल क्यों लगा देता है, केवल क्यों बोल रहा है, केवल दक्कन और दक्षिण भारत में प्रचलित थी, ये गलत है। अगला देखिए, कुछ महापाषाण जमीन के भीतर होते हैं, कुछ जमीन के ऊपर होते थे, तो ये वाला सही है, यानी जो दो वाला है वो आपका राइट आंसर है, और यानी केवल दो आपका सही हो जाएगा। अब रही बात, कुछ लोग टेंशन में आ रहे होंगे, सर ये ऐसे आप कैसे बता रहे हो, सुनो मैं समझा दे रहा हूँ। देखो कब्र बनाने के लिए जो बड़े बड़े पत्थरों का इस्तेमाल किया जाता था उसी को बोलते थे महापाषाण, महा माने बड़ा, पाषाण माने पत्थर, तो महापाषाण कहलाता था। ये शिलाखंड, ये जो शिलाखंड होते थे, बड़े बड़े पत्थर होते थे, ये दफन करने की जगह पर लोगों के द्वारा बड़े अच्छे ढंग से लगाए जाते थे, ठीक है। महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा की शुरुआत की बात करें तो ये लगभग 3000 वर्ष पहले शुरू हुई थी, और यह प्रथा दक्कन में, दक्षिण भारत में, कहीं कहीं उत्तर पूर्वी भारत में भी, और
कश्मीर में भी देखने को मिली है। इसके लिए आप केवल वर्ड जो है ये गलत हो जाएगा, इसको मत करिएगा, ठीक है। अच्छा, और एक बात याद रखिए, कुछ महापाषाण जमीन के ऊपर मिले हैं, कुछ जमीन के भीतर मिले हैं। इस तरह के महापाषाणिक कब्रों को ताबूत सवाधान या शिष्ट कहा जाता था। एक वर्ड वहाँ पर लिखा था, या NCERT में पढ़ते समय लोग बताया था, क्या बोला जाता था? शिष्ट। शिष्ट क्या था? वही जो कब्रें थी, ठीक है, जो बड़े बड़े ताबूत से सवाधान के, वही क्या कहलाते थे? शिष्ट कहलाते थे। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? केवल दो। चलिए अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से चिन्ह जमीन के भीतर महापाषाणिक कब्रों को दर्शाते हैं, उनका नाम बताइए। गोलाकार सजाए हुए पत्थर, अकेला खड़ा हुआ पत्थर, या पत्थरों के बड़े चबूतरे, क्या सही है? तो मैं पढ़ाते समय बोला था आपको, दो तरह की चीज़ें होती थी, या तो गोलाकार पत्थर होते थे, अरे फोटो भी तो वहाँ लगा था ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे, या तो अकेला खड़ा पत्थर होता। ये पत्थरों के चबूतरों की बात हमने कहीं नहीं सुनी, ये इसलिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक और दो जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। याद रखिए, चबूतरों की बात कहीं नहीं हुई है, ठीक है। चलिए, ग्यारहवें प्रश्न कह रहा है कि सभी महापाषाणिक कब्रों में कुछ समानताएं हैं। सामान्यतः मृतकों को खास किस्म के मिट्टी के बर्तनों के साथ दफनाया जाता था। किसके साथ? खास किस्म के मिट्टी के बर्तनों के साथ दफनाया जाता था। इन्हें बर्तनों को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था, बताइए, किस नाम से बर्तनों को जानते थे? तो याद रखिए, उस जमाने के बर्तन कैसे थे? काले लाल मिट्टी के बर्तन। कैसे थे? काले लाल मिट्टी के बर्तन, याद रहेगा। इन कब्रों में सामान्यतः काले लाल मिट्टी के बर्तनों के साथ मृतकों को दफनाया जाता था। यह एक ऐसी समानता है जो लगभग सभी महापाषाणिक कब्रों में मिलती है। इनके साथ ही विभिन्न कब्रों में लोहे के औजार, हथियार और कभी कभी घोड़े के कंकाल, बकरियों के कंकाल, सामान, पत्थर, सोने चांदी, गहने भी प्राप्त हुए हैं। और ये माना जाता था कि शायद व्यक्ति की जो भी प्रिय वस्तुएँ रही हों उसको उसके साथ दफना दी गई हों, ठीक है। अगला प्रश्न है, महापाषाणिक कब्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है, जरा बता दीजिए। जरूर बताएंगे। पहला दे रहा है, महापाषाणिक कब्रों से प्राप्त चीज़ें दफनाए गए लोगों की सामाजिक स्थिति में विभिन्नता को दर्शाती हैं। ये तो बिल्कुल सही बोल गया, पढ़ाया था हम लोगों ने। और अब बात कर रहे थे कि जैसे सोने चांदी हैं तो जाहिर सी बात है कोई अमीर व्यक्ति रहा होगा, लोहे की है तो थोड़ा सा गरीब रहा होगा, ये सब चीज़ पढ़े थे ना। अगला दे रहा, कुछ महापाषाणिक कब्रों में से एक ही परिवार के कई लोगों के कंकाल मिले। हाँ, कुछ ऐसे भी मिले हैं, ठीक है, जहाँ एक ही महापाषाणिक कब्र में एक ही परिवार के कई सदस्यों को दफनाया गया है। कब्रों पर गोलाकार चट्टाने या खड़ी चट्टान रखकर चिन्ह बनाए जाते थे ताकि लोग आवश्यकता अनुसार शवों को दफनाने दोबारा आ सके। उनको पता भी तो चलना चाहिए। और डी दे रहा है, कब्रों में दोबारा जाने के लिए एक रास्ता होता था जिसे डेथ होल बोलते थे। डेथ होल पढ़े हो? डेथ होल कहीं पे नहीं पढ़े हो ना? पूरी NCERT पढ़ डाले, अगर डेथ होल लेता तो थोड़ा बहुत मजाक में कर ही लेता आपसे। तो डेथ होल कहीं पे नहीं था दोस्तों, और ये यहाँ पे जो हो जाएगा गलत हो जाएगा, ठीक है। फिलहाल आपको बता दूँ, अगर आप पूछो सर ये महापाषाणिक कब्रें कहाँ पर थी, तो मैं आपको बताया था कि दक्षिण भारत में जाओगे ब्रह्मगिरी की पहाड़ी थी, वहाँ पर इस तरह की कब्रें देखने को मिली हैं। और ब्रह्मगिरी में एक व्यक्ति की कब्र में 33 सोने के मनके और शंख पाए गए हैं, जबकि दूसरों के कंकालों के पास सिर्फ कुछ मिट्टी के बर्तन ही पाए गए हैं। इससे यह पता चलता है कि सामाजिक स्थिति को देख करके शव जो है दफनाए जाते थे। कुछ कब्रों में एक ही परिवार के लोगों को एक ही स्थान पर अलग अलग समय में दफनाया गया, जिसके बारे में पता चला है। बाद में मरने वाले लोगों के परिवार के सदस्य पहले बनी कब्रों में ला देते थे एक रास्ते से, और फिर वहाँ जो है दफना दिए जाते थे। याद रखिए, जो डेथ होल की बात कर रहा, उसको डेथ होल नहीं, उसको क्या बोलते थे? उसको बोलते थे पोर्ट होल। क्या बोलते थे? डेथ होल नहीं बोलते थे। उस जाने वाली उस जगह पर अगर दोबारा जाना है तो किस रास्ते से जाना पड़ता था? पोर्ट होल से जाया जाता था। डेथ होल नाम का कोई होल नहीं था, ठीक है। पोर्ट होल किसके नाम से जानते हैं? पोर्ट होल, याद रहेगा। चलिए अगला देखते हैं, इनाम गांव एक आरंभिक गांव था जहां 3600 से 2700 वर्ष पूर्व लोग रहा करते थे। इनाम गांव कहां पर है? महाराष्ट्र, ठीक है। और यहां पूछ रहा है कि यहां पर निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे स्थित है? नदी का नाम है, और मैंने आपको पढ़ाया था इस नदी का नाम, जब बताया था तो मैंने बताया था घोड़ा नदी। घोड़ा नदी नहीं, एक्चुअली वो घोड़ नदी है, घोड़ नदी, इसको घोड़ा नदी भी बोलते हैं। इनाम गाँव भीमा की सहायक नदी घोड़ के किनारे स्थित है, घोड़ नामक एक जगह किनारे स्थित है, ठीक है। तो नदी है कौन सी? भीमा नदी की सहायक नदी है, भीमा नदी की। इस जगह पर 3600 से 2700 वर्ष पूर्व लोग रहते थे, और यहाँ से प्राप्त कब्रों से अनेक जानकारियाँ मिली हैं। यहाँ वयस्क लोगों को प्रायः सीधा लिटाकर दफनाया जाता था तथा उनका सिर
उत्तर की ओर होता था। कई बार उन्हें घर के अंदर भी दफनाया जाता था। ऐसे बर्तन जिसमें शायद खाना या और पानी हो, दफनाए गए शव के पास रख दिए जाते थे और कहा जाता था कि मरने के बाद वो खाना पानी कहाँ से मिलेगा। चरक संहिता निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, बताइए। चरक संहिता तो ये मैं आपको पढ़ाया हूँ, ये संबंधित है किससे, आपके चिकित्सा से संबंधित है। चरक संहिता किससे संबंधित है, चिकित्सा से, तो याद रखिएगा। और किसने लिखा है, तो इसको चरक ने लिखा भी है। किसने लिखा था इसको, प्रसिद्ध वैद्य भाई 2000 वर्ष पहले, चरक नाम से उन्होंने लिखा था, ठीक है। और ये चिकित्सा पर लिखा गया एक सबसे बड़ा ग्रंथ है। और इसी में बताया गया था सबसे पहले मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियाँ होती थी, 360 हड्डियाँ होती थी। हालांकि आज के समय में कहा गया 206 हड्डियाँ, तो हो सकता है कि चरक ने अपनी गिनती में जो है दांतों को भी काउंट कर लिया हो, हड्डियों को जोड़ के भी काउंट कर लिया हो, जो कार्टिलेज है, जो पसलियाँ थी, उनको भी काउंट कर लिया हो। तो अगर टोटल जोड़ोगे तो 360 के आसपास पहुँच जाएगा। तो ये प्रश्न याद रखिएगा। इस तरह से आज का चैप्टर होता है समाप्त, और ये सीरीज आपकी चलती रहेगी। और कल जो है संडे है, और कल है रक्षाबंधन, तो कल आपकी छुट्टी रहेगी, आप इंजॉय करिएगा, ठीक है। और जो भी बहनें हैं हमारी, जो भी सिस्टर हमारी हैं, हमारे चैनल से जुड़ी हैं, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा और उनको बहुत सारा प्यार देना चाहूँगा। हालांकि मैं आप तक तो पहुँच तो नहीं सकता, लेकिन मैं एक बड़े भाई का फ़र्ज़ ज़रूर निभाऊँगा, ठीक है। और एक अच्छी शिक्षा देना और आपको आपके मकसद तक पहुँचाना, आपको अपने गोल तक पहुँचाने के लिए मैं तत्पर हूँ। तो भले मैं आपसे दूर हूँ, आपसे मिल नहीं सकता, आप मेरे लिए राखी भेजो ना भेजो, ये अपना अलग मैटर है, ठीक है। बट मैं इतना ज़रूर वादा करता हूँ कि आपको आपके गोल तक मैं ज़रूर पहुँचाऊँगा। और एक बात और कहना चाहूँगा कि जो लोग भी उस स्पेशल सीक्रेट वीडियो को नहीं देखें दोस्तों, प्लीज़ आप देख लीजिए। बिकॉज़ क्या है ना कि अभी देखो मॉडर्न हिस्ट्री जो मुझे पढ़ाना है, मैं विदाउट कैमरे के रिकॉर्डिंग नहीं कर सकता, ठीक है। वो एक अटपटी सी रिकॉर्डिंग हो रही है और फिर फील भी नहीं हो रहा है। जैसे ऐसे पढ़ाने में मज़ा तो आ रहा है मुझे बहुत, लेकिन अगर लाइव आके पढ़ाना है तो उसकी क्वालिटी होनी चाहिए, ठीक है। तो प्लीज़ आप एक बार डोनेट करिएगा। देखिए डोनेशन मैं अपने लिए नहीं मांग रहा हूँ, ठीक है, अपने लिए, मेरे लिए क्या दे दोगे यार, कुछ नहीं दे दोगे। अगर मुझे कमाना ही होता तो बहुत सारे लोग मुझे ऑफ़र कर रहे हैं कि सर आप हमारे यहाँ चलिए, मैं चला नहीं जाता। तो मैं धमकी भी नहीं दे रहा हूँ, इसको धमकी मत समझिएगा, मैं अपनी बात को शेयर कर रहा हूँ। तो मुझे पैसे नहीं कमाने मेरे भाई, मैं तो बस इतना चाह रहा हूँ कि जो मेरी आवश्यकता है वो पूरी हो जाए, ठीक है, जो समस्या है वो उसका समाधान हो जाए, ताकि मैं बेहतर क्लास आपके लिए प्रोवाइड कर सकूं। तो प्लीज़ दोस्तों आपसे विनम्र निवेदन है कि अगर जो है आप नहीं देखे हो वीडियोस को, तो प्लीज़ एक बार खोल कर देख लीजिए और उसमें जो है आप डोनेट जरूर करिए, ठीक है। और यह समाज सेवा में अगर आप हमारे साथ जुड़ोगे तो ये आपके लिए भी बेहतर है, थोड़ा पुण्य हमें मिलेगा तो थोड़ा आपको भी मिलेगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।